तो कैसे आप लोग लोग तो हे गाइस, नीरज हेयर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे करने लें इंस्टाग्राम वायरल रील एडिटिंग। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को अलाइक मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो पे यूज के सो ऑल मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा, जो पासवर्ड आपको वीडियो पे मैं भूल के और स्क्रीन पर दिखाने लूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्किप करने से आप लोगों को पासवर्ड समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चलिए आज की शुरू को शुरू करते हैं। अलाइट मशीन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से साउंड बीट मैप बजट एंड शेकेफिट की सीट को इंपोर्ट कर लेने। इंपोर्ट करने से पहले गाइस आप लोगों को वीडियो पूरा देख लेने। वीडियो पर मैं पासवर्ड को बोल के और स्क्रीन पर दिखाने लगा। अब आपको साउंड बीट मैप बजट ओपन कर लेना है। साउंड बीट मैप बजट ओपन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो पूरे म्यूजिक पर मैंने बीट मार्क कर दिया हूं। अब आपको स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद यहां पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज ऑटो पर क्लिक करके आप किस फोटो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट करके ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद अब आपको थ्री डॉट्स ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेने। फिल स्क्रीन करने के बाद इस मॉडल में इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो मून ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करके इस टाइप आपको एडजस्टमेंट वगैरह कर लेने। इसके बाद में बैक आने। बैक आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेप पर ट्रिम कर लेने। अब आपको बैक आने। बैक आने के बाद फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इमेज ऑटो पर क्लिक करके सेकेंड मॉडल इमेज ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद अब आपको फिर से थ्री डॉट्स ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेने। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टेप पर ट्रिम कर लेने। सो गाइस आप लोगों को इसी मेथड को यूज़ करके पूरे म्यूजिक पर सारे फोटोज़ को ऐड कर लेने। सो गाइस मैं जल्दी से सारे फोटो को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने वीडियो रोकर सारे मॉडल में इसको बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल में इसको बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेने। अब आपको स्टार्टिंग पर आने। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को बैक आना है। बैक आने के बाद शेकेफिट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। शेकेफिट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब आपको बैक आने। बैक आने के बाद साउंड बीट मैप बजट ओपन कर लेना है। साउंड बीट मैप बजट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको फर्स्ट वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। अब आपको बैक आने। बैक आने के बाद सेकंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइस आप लोगों को ये फर्स्ट वाला इफेक्ट आपको मिनिमम 11.22 सेकंड के अंदर आपके कितने भी मॉडल इमेज हो सारे मॉडल इमेज पर ये फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेने। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मार्क भी कर चुका हूँ। इस मार्क के अंदर आपकी कितने भी मॉडल इमेज हो सारे मॉडल इमेज पर ये फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेने। सो गाइस मैं जल्दी से इस सारे मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने 11.22 सेकंड के अंदर सारे मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर चुका हूँ। इसके बाद में गाइस अब आपको 11.22 सेकंड के बाद में आपके कितने भी मॉडल इमेज हो सारे मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को पहले बैक आने। बैक आने के बाद शेकेफिट प्रीसेट को ओपन कर लेने। शेकेफिट प्रीसेट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको सेकंड वाला मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी पेस्ट कर लेने। अब आपको बैक आने। बैक आने के बाद साउंड बीट मैप बजट ओपन कर लेना है। साउंड बीट मैप बजट ओपन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो 11.22 सेकंड के अंदर हमने सारे मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई किया था। उसके बाद में अब आपको 11.22 सेकंड के बाद में आपके कितने भी मॉडल इमेज सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट पेश कर लेने। सो गाइस मैंने 11.22 सेकंड के बाद में सारे मॉडल इमेज पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। सो गाइस आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज पर शेकेफिट प्रीसेट अप्लाई कर लेने। अब आपको स्टार्टिंग पर आने। स्टार्टिंग पर आने के बाद आप अपना इंस्टाग्राम लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो प्लस आइकन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इमेज ऑटो पर क्लिक करके लोगो ऐड कर लेने। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद अब आपको मून ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके -90 डिग्री रोट कर लेने। इसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपको इसका साइज छोटा कर लेने।
साइज छोटा करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लोगों को कहाँ भी एडजस्टमेंट कर लेना है। लोगो एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपको बैक करना है। बैक करने के बाद इस लोगो को पूरा लास्ट तक ले जाना है हमारे म्यूजिक तक। अब आपको पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद ये लोगो पूरा लास्ट तक आ जाएगा। सुबह जब देख सकते हो ये वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इस वीडियो का पासवर्ड है 7383। फिर से बता रहा हूँ गाइज आप लोगों को, इस वीडियो का पासवर्ड है 7383। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए गाइज आप लोगों को शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। इसके बाद में एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेने। फ्रेम रेट आपको फुल रख लेने। क्वालिटी एकदम हाई रख लेने। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेने, जैसे कि चैनल का एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो गाइज आज की वीडियो पे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय।